और देखिए कितनी प्यारी। ये देखिए फ्रेंड्स, सुबह है ना बाजी ने हमारी जो कपड़े रखे हुए चाय की बत्ती के बेग में कपड़े, क्या मतलब अरे उस टाइम कितनी शानदार थी से, क्या हुआ तुमसे? रमजान चल रहे थे ना तो उस टाइम वो जो मेडिकल खुला नहीं मिलता, लेकिन आज जो हम लोगों को। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो देखिए अभी दिन का टाइम हो रहा है, कितनी ज़्यादा जो है धूप आ रही है अभी, और मम्मी यहाँ पर बना रहे हैं पल्ली, क्योंकि हम लोग जो है इसे हमारे पलंग पे बिछाने वाले हैं, क्योंकि फिर इसके ऊपर जो हम लोग गद्दे वगैरह बिछाएंगे ना तो फिर वो गंदे हो जाएंगे, है ना मम्मी? गंदे हो जाते इसलिए, हाँ वो जो है उसके ऊपर धुला वगैरह लग जाता है ना इसलिए। आटे कट्टे से बनाए मम्मी ने, और ये वाले जो हम लोग है ना चाय की पत्ती के बैग भी लेके आए थे दुकान से, जिसपे पहले हम लोग कपड़े भी रखते थे। अच्छा अभी भी हम लोगों ने कपड़े रखे हुए हैं चाय की पत्ती के बैग में, कपड़े रखते हैं हम लोग। तो बैग नहीं है अभी, तो खैर वही उसी से काम चल जाता है। और ये वाली देखिए पल्ली कितनी अच्छी बनकर रेडी हो गई है पूरी, तो अभी इसे इसके ऊपर बिछा लेते हैं। अच्छी बनी है बनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है पूरी पाल बनकर रेडी हो गई है, और इसे जो ये थोड़ी ऊपर खसका देते हैं, क्योंकि ना हमारी दीवारों में ना सीलन आ जाती है बारिश के टाइम। नीचे जो कमरे बने हुए हैं इसके नीचे, तो वो कमरे लोच के काम के नहीं है, वो केवल बंद पड़े रहते हैं हमेशा, तो उनके अंदर पूरा जो है पानी भर जाता है। तिलगढ़ जैसे रूम बने हुए हैं मतलब नीचे, तो वो सारी सीलन है ना बारिश के टाइम यहाँ ऊपर आ जाती है। सही है ना उम्मीती? तो फ्रेंड्स फिर मैं जो है अभी चली गई थी लोबान लेने के लिए, और फिर रोजे पे से हम लोग आ गए हैं। और देखिए अभी मम्मी ने जो है पूरी पल्ली फिर बना के रखी थी, और अभी इसके ऊपर बिछा दी है, और ये जो गद्दे हैं और ये घूमती रहती है ऐसे ही, मेरा काम कराती नहीं है। फ्रेंड्स वो तो ऐसे ही मजाक करते रहते और देखिए फ्रेंड्स अभी है ना गद्दे बिछरे हमारे खुद ब खुद। तो फ्रेंड्स अभी ये दाल लेके आ गए हैं हम लोग, तो अभी दाल ही बनाने वाले हैं। और यही देखिए बाजी जो है अभी मसाला रेडी कर रहे हैं, हरी मिर्ची टमाटर वगैरह काट रहे हैं, और जो है तुअर की दाल बनाएंगे आज हम। मूंग तुअर मिक्स है ना ये? हाँ तुअर ही हली है, तो तुअर की दाल बनाएंगे आज हम। इधर की लाइट तो करी नहीं चालू, इधर की जल्दी। तो फ्रेंड्स हम खड़े हुए हैं और देखिए कितनी प्यारी सी हवा चल रही है, देखिए कपड़े हमारे कैसे हिल रहे हैं, और अंदर से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। खैर शाम हो गई है तो अभी बाहर ठंडक हो गई है, वरना बाहर भी है ना बहुत ज़्यादा धूप रहती है, है ना? बोलना चाहिए ना मेरे साथ। अरे मैं तो खाना बनू जाके देखिए फ्रेंड्स सुबह है ना बाजी ने हमारी जो कैना ले ली है ना उसके लिए क्यारी बनाई थी, तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, छोटी सी क्यारी बनी हुई इसकी। लकड़ी कौन सी गिरी हुई उधर? अपनों ने जब लगाई थी जब इस पे पत्ते नहीं थे ना ये वाले, बोलती लग यार एक था वो नीचे वाला कटा हुआ पत्ता, हाँ वो छोटा सा, फिर वो भी अपने सामने गिरा, वो तो मार रहे थे। आ गई देख उनकी भी गहरी हो गई, देखी वो देख कितनी गहरी हो गई। और उसी के साथ दाल बन रही है हमारी अभी। शाम हो गई, अब तो सारे कपड़े धोके डाल दिए थे अभी बाजी ने शाम को ही, क्योंकि फिर मौसम का भरोसा नहीं है कि कब खराब हो जाएगा, फिर ये सूखेंगे वगैरह कब। वैसे तो अभी भी बादल हो गए थे, और अब तो शाम हो गई है, खैर बादल नहीं हुए अभी ना, बादल भी है शाम भी। ये बिच्छू वाले में फूल तो आई नहीं रहे यार, ओ किसी काम की नहीं लग रही, क्या मतलब अरे उस टाइम कितनी शानदार थी से, क्या हुआ तुमसे? और कुछ लेना है? इनो यहाँ थोड़ी मिलेगा, इनो नहीं मिलेगा आपके यहाँ, एक दे दो पैसे दो। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है गोली लाना भूल गए थे मम्मी की एलर्जी की, तो वो जो है हम लोग अभी रात में फटाफट से भाग कर गए, और हम लोगों को ना गोली मिल भी गई, खैर है ना मेडिकल खुला नहीं मिलता, लेकिन आज जो है हम लोगों को मेडिकल खुला मिल गया, तो ले लिए और अब जा रहे घर पे। तो फ्रेंड्स अभी रात का टाइम हो रहा है, और हम लोगों का जो है सारा काम करके अभी कंप्लीट हो गया, यानी खाना भी हम लोगों ने खा लिया, और फिर बर्तन वगैरह भी संभाल दिए,
और अभी जो है दूध गर्म हो रहा है, और आज जो है दूध वाला काफ़ी ज़्यादा लेट आया था हम लोगों का, वो तो अभी रमज़ान चल रहे थे ना, तो उस टाइम वो जो है जल्दी आ रहा था, लेकिन अब जो है वापस लेट, और कल तो आया भी नहीं था, फिर जो है अभी इसीलिए हम लोगों ने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और अभी जो है बाहर है ना अच्छी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो थोड़ा खैर अच्छा लग रहा है, और दिन में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का व्लॉग, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।